हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे थ्योरियम वन से। थ्योरियम वन क्या बोल रहा है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइंड इन ए नेबरहुड एन ऑफ ए पॉइंट ए बी सच दैट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड इज बाउंडेड ऑन एन फॉर एज द अदर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एज द पॉइंट ए बी देन द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ए बी। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जहाँ पर उसका नेबरहुड एन है ऑफ ए पॉइंट ए बी, ए बी पॉइंट का एक नेबरहुड गिवन है एन, जहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ रियल फंक्शन है वो डिफाइन कर रहा है, सच दैट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड इज बाउंडेड ऑन एन। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड वहाँ पर अदर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है एट द पॉइंट ए बी, देन हम बोल सकते हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ए बी। ठीक है ना? तो इस थियोरियम के मदद से हम कोई फंक्शन एफ को कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉरोलरी वन। लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड इन ए नेबरहुड एन ऑफ ए पॉइंट ए बी सच दैट बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एन एंड वन ऑफ देम इज बाउंडेड ऑन एन देन द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है ना? तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट हो जाए एंड वो बाउंडेड हो जाए तो हम बोल देंगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो ये थ्योरियम वन से बेहतर है। हम अगर एफ एक्स दिखा देंगे एंड एफ वाई दिखा देंगे, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना? अब देखिए, हम देखेंगे E12। अप्लाई कॉरोलरी वन एंड चेक वेदर द फंक्शन एफ मैप्स आर स्क्वायर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स ई पावर एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि एफ एक्स एंड एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव जो दोनों है वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट होना चाहिए एंड बाउंडेड होना चाहिए ऑन एन नेबरहुड एन। ठीक है ना? एक पॉइंट है ए बी, उसका नेबरहुड है एन। तो यहाँ पर एफ एक्स निकाल लेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, वाई पावर एक्स एंड एफ वाई वो ई पावर एक्स। तो ये तो है ए बी द पॉइंट आर स्क्वायर एंड कंसिडर्ड ये नेबरहुड एन जो है वो है एक्स वाई, जहाँ पर रूट ऑवर ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन वन ऑफ ए बी। ठीक है ना? तो ये है नेबरहुड हम लिए हैं, तो इसलिए नेबरहुड का जो डेफिनेशन है, मतलब यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है नेबरहुड को फॉर ए बी। तो एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट और वो बाउंडेड भी है। ठीक है ना? देखिए, ई पावर ए माइनस वन एंड लेस देन ई पावर एक्स लेस देन ई पावर ए प्लस वन, तो एफ वाई इज बाउंडेड एंड एफ एक्स भी ऑल्सो बाउंडेड है, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए बी एंड एवरीवेयर इन आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम E14 को देखेंगे। E14 देखेंगे तो E14 में एफ एक्स निकालेंगे सेम तरीके से ही, है ना? एफ एक्स निकालेंगे तो ई पावर वाई आ जाएगा, एफ वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स ई पावर वाई। सेम तरीके से बोल देंगे कि ये एग्जिस्ट है। ठीक है ना? एग्जिस्ट है और बाउंडेड है, बाउंडेड देन एफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है ना? और एफ एक्स एक्स 3xy है, तो एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 3y एंड एफ वाई दिस इज इक्वल्स टू 3x, तो ये भी बाउंडेड है एंड यहाँ पर ये जो एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है, तो ये भी कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जो डेफिनेशन है, हम डायरेक्ट डेफिनेशन में जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए नेबरहुड एन ऑफ ए पॉइंट ए बी, वी से दैट द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट
ए बी इफ द फॉलोइंग होल्स, ठीक है ना। तो एफ डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू एच प्लस बी के प्लस एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के, जहां पर एच एंड के आर रियल नंबर्स सच दैट ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू एन, एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड के बट डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन एफ एट द पॉइंट ए बी, एंड फाई एंड साई आर द टू फंक्शन टेंडिंग टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो जीरो, ठीक है ना। तो ये होल्ड करने करना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे एक फंक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक मिनट, एक फंक्शन ले लेते हैं हमने, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल 13, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट एफ इज डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट ए बी, लेट ए बी बी एनी आर्बिटरी पॉइंट, एंड एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर विच इज ए प्लस एच स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विच इज बी प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज टू एच प्लस टू बी के प्लस एच एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज एच एच एंड प्लस एच के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए जो है वो टू ए है एंड बी दिस इज इक्वल टू टू बी, एंड फाई ऑफ एच के विच इज एच एंड साई ऑफ एच के विच इज के, देन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए पी विच इज, इसे हम लिख सकते हैं एच प्लस बी के प्लस एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टू ए एंड टू बी कॉन्स्टेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एच के, ठीक है ना, एच के नहीं है इसके साथ, तो हम बोल सकते हैं कि एफ इज डिफरेंशियबल एट ए पॉइंट ए बी। एग्जाम्पल 14 देख लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स बाई वाई सो दैट एफ इज डिफरेंशियबल एट द पॉइंट ए बी, ठीक है ना, एंड इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ए बी एक पॉइंट है फंक्शन जहाँ पर डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम ए प्लस एच एंड बी प्लस के एफ ऑफ लेंगे और माइनस एफ ऑफ ए बी, तो ए प्लस एच डिवाइडेड बाई बी प्लस के माइनस ए बी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ए ए बाई बी प्लस के एंड प्लस एच बाई बी प्लस के माइनस ए बी आ गया बीच में, तो ए इंटू के करेंगे बी बी इंटू यहाँ पर बी प्लस के एंड प्लस देखिए बी इंटू बी प्लस के, तो ए बी एंड ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए ए बाई बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस के बाई बी बी प्लस के एंड टू के एंड प्लस के बाई बी वन माइनस के बाई बी प्लस के। ये जो लाइन है इस लाइन से, ये बहुत ही मतलब समझ के लेना होगा इस लाइन से ये लाइन, ठीक है ना, क्योंकि हमें एच के एंड एच इंटू फाई ऑफ के एंड के इंटू साई ऑफ के इस हिसाब से लिखना है। तो इसीलिए हम यहाँ से ये लाइन फिर यहाँ से ये लाइन बहुत ही हमें मतलब अच्छे से लिखना होगा कि हम क्या लिखें यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ही समझदारी से लिखना होगा कि यहाँ पर क्या लिखें जो हमें इस फॉर्म में लाए ला सके हम इसको, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लाइन जो है लिखा गया है इस फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू वन बाई बी, बी इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी स्क्वायर। ये देखिए ये लाइन मतलब कैलकुलेशन करके तो हम नहीं ला सकते हैं, ऐसा कीजिए कि एच के साथ कुछ लेना है, के साथ कुछ लेना है, फाइव ऑफ एच के एंड साई ऑफ एच के दोनों हमें यहाँ पर दोनों जो फंक्शन है उस फंक्शन के साथ एच एंड के लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचेंगे तो कुछ एक फंक्शन आ जाएगा। तो ये फंक्शन ना हो फिर भी चलेगा, मतलब यहाँ पर ए कांस्टेंट एंड बी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ला सकते हैं तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। अगर इस ये एच कांस्टेंट एंड एच एंड के साथ ए एंड बी कांस्टेंट नहीं आता है, मतलब एच स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है ना, या फिर एच के नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू वन बाई बी एंड बी इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी स्क्वायर, फाइव ऑफ एच के इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाई बी बी इंटू बी प्लस के एंड साई ऑफ एच के इक्वल्स टू ए के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू बी प्लस के। तो यहाँ
पर एच के टेंस टू जीरो कर देंगे तो एन ए बी हो जाएगा कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एच के एच एन के, देन एफ इज डिफरेंशियबल एट ऑल पॉइंट ऑफ ए बी. एग्जाम्पल 15 देखिए, वी विल प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई विच इज नॉट डिफरेंशियबल एट 0 0. नॉट डिफरेंशियबल कैसे करना है वो भी देख लीजिए. एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 तो विच इज मॉड एच प्लस मॉड के, इस तरीके से हम लिख सकते हैं मॉड एच प्लस मॉड के एच प्लस बी के प्लस एच फाइव के प्लस एच फाइव के. मॉड एच को हम यहाँ पर मॉड एच एंड मॉड के दो लिख सकते हैं. एक जब एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो माइनस एच आ जाएगा, एंड एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा वो प्लस एच आएगा. सेम तरीके से के को अगर जीरो से बड़ा करके मतलब ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो के की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, और के की वैल्यू अगर लेस देन जीरो करेंगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एच इक्वल्स टू जीरो एंड के जो है वो ग्रेटर देन जीरो, देन के इक्वल्स टू बी के प्लस के साई ऑफ जीरो के, एंड हम यहाँ पर एच के को जीरो करेंगे तो बी इक्वल्स टू वन आ जाएगा. सेम तरीके से अगर के लेस देन जीरो करेंगे तो बी इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट जो बी आ रहा है वो प्लस एंड माइनस दोनों में आ रहा है. बी जो है एक कांस्टेंट टर्म है, उसका दो वैल्यू कैसे आ सकता है. ठीक है ना, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि वो जो कंडीशन है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल नहीं है. ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे हम करेंगे. उसके बाद E15 और बाकी सारे क्वेश्चंस. E15 तो एक दिन लगेगा. हम ये सारे जितने सारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स है ये स्टेटमेंट सभी प्रूव करके भी दिखाएंगे तो टाइम लगेगा. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.